नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके ही कार्यक्रम रेनबो टॉक्स में, मन की बात भगवान के साथ में। पिछली दो कड़ियों में हमने देखा आपके कई सवालों को, और आपका प्यार और आपका प्रोत्साहन हमको ये एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड करने के लिए प्रेरित करता है। रेनबो यानी कि आशा की किरण, एक ऐसा इंद्रधनुष जो कि समस्याओं के समय जब समाधान धुंधले दिखाई दें उसमें आपको एक आशा दिखाई दे। ब्रह्मा कुमारीज का यही प्रयास है और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि आपको किसी भी प्रकार का एक इमोशनल सपोर्ट, एक विजडम या स्पिरिचुअल इंसाइट इस महामारी के समय, इस पैंडमिक के द्वारा, इस समय हम जो आपको प्रोवाइड कर पाएँ सो हम करें। मेरा नाम शोभित नारायण अग्रवाल है, मैं एक करियर काउंसलर और लाइफ कोच हूँ, और हर बार की तरह हमारे साथ हैं सिस्टर स्वर्णलता, जिनको आप सब लोग सिस्टर सोनी भी कहते हैं। शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और दीदी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, और हमारे पास सवाल भी बहुत आए हैं। मैं पहला सवाल से शुरू करूँगा जो कि हमारे पास दुबई से आया है, मिस मनी चाहिल का। वो एक शिक्षिका हैं और उन्होंने कहा है कि इस समय समाज में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास रुपए नहीं हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, और यही नहीं, वो अपने बिल्स नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार का भुगतान नहीं कर सकते हैं, और जो उनकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स भी ख़त्म होती जा रही हैं या लगभग ख़त्म हो गई हैं। ऐसे में उनको आप क्या रेनबो दिखा सकते हैं, क्या इंद्रधनुष आप उनको दे सकते हैं? ओम शांति आपको और हमारे सभी दर्शकों को। अगर हम ये बात करें तो अपने ही बच्चे स्कूल ना जा पाए, ठीक से खाना ना खा पाए, तो ये वाकई में मतलब कोई छोटा मोटा दुख का सीन नहीं है, बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने शायद लास्ट टाइम भी बात किया था कि एक फैमिली में किसी के को कोई बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो सब लोग अपने सारे खर्चे बंद करके, अपनी सारी इच्छाएं एक साइड रख करके, आपने पहले भी सुना होगा इस पेंडेमिक के पहले भी बहुत घरों में कुछ कुछ ऐसा हुआ जी। लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी, अपना करियर एक साल के लिए, बच्चे स्कूल नहीं गए सिर्फ इसलिए कि घर में माँ की पिता की सेवा करनी थी, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो है प्रॉब्लम, इसमें दो राय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो ये प्रॉब्लम ग्लोबली हो गई है। मैंने कहीं सुना था, किसी का व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, मतलब इस वक्त तो लोग कह रहे हैं जैसे कि दुनिया में इक्वालिटी अब आ रही है, गरीब तो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, शायद थोड़ी बहुत समस्या और आ गई है, लेकिन जो बहुत हाई स्टेटस, बहुत हाई प्रोफाइल के, बहुत पैसों में ही खेलने वाले, आज तो वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे ही नीचे गिरना समझें, या इसे ही हम समझें कि ये हमारी गिरावट हो रही है, तो एक्चुअल में ये है नहीं। पैसे से नीचे गिरना ये ग्राफ हम लोगों ने तैयार किया है। मैं शायद अब आज इस पैसे की वजह से सबके साथ एक सीक्वेंस शेयर करना चाहूँगी। लाइफ में हमारा डाउनफॉल कब होने लगता है, या लाइफ में अगर पूरी खुशी चाहिए, जीवन संतुष्ट चाहिए, तो जीवन में पांच बातें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनका सीक्वेंस जैसा हम बता रहे हैं जी। आप सुनिएगा और फिर बताइएगा कि आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं। एक हैप्पी लाइफ के लिए सबसे पहले मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कैसा सोच रहे हैं। शोभित भैया, आपने भी कई बार देखा होगा लोग एसी में बैठ करके स्वेटिंग उनको होती है, पसीन, बैठे हुए एसी में, लेकिन कोई एक नेगेटिव बात, कोई टेंशन वाली बात याद आ गई तो अभी तक साइंस ने दिमाग को ठंडा करने वाला एसी नहीं बनाया। तो इसीलिए सबसे पहले क्वालिटी ऑफ थॉट, सोच तो सब रहे हैं लेकिन इनकी क्वालिटी पर कोई अवेयर नहीं है। ओके। सेकेंड थिंग इज टाइम। अभी तक हमने अपना टाइम कहाँ लगाया,
क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट है दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ माई पास्ट. हमने अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज किया, कहाँ वेस्ट किया. आपको याद होगा शायद, आप दादी जानकी जी से मिले हुए हैं. हाँ जी, मिले. जिन्होंने अभी जल्दी शरीर छोड़ा. उनसे कुछ अब कोई ये कहता था कि दादी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो दादी मुस्कुरा के कहती थी आप ना आज से एक बार चेक करना आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है. उस वेस्टेज को बचाना शुरू करें तो टाइम की कमी कभी नहीं आएगी. इवन स्पिरिचुअलिटी तो कहती है थॉट मैनेजमेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि कई बार तो हम जो काम हमें करना है हम उसी के पास बैठे हैं, लेकिन मेरा मन डिस्टर्ब्ड है तो घंटों एक काम के पास बैठ करके भी उसको हम बाइंड अप नहीं कर पाते. तो दूसरी इम्पॉर्टेंट, और इवन खुद में ग्रेटनेस फील होती है, मैं टाइम से उठ रही हूँ, टाइम से अपने सारे काम कर रही हूँ, तो खुद में ही एक महानता फील होती है. ठीक है. थर्ड थिंग इज हेल्थ. ओके. फिजिकल मेंटल ये दोनों हेल्थ. ठीक है. लोग यहाँ से थोड़ा बहुत अवेयर हो रहे हैं, पहले भी थे, इस एपिडेमिक के पहले भी थे, यहाँ से बीच बीच में अपने फिजिकल चेकअप्स करा लेते थे. लेकिन थॉट का प्रभाव तो यहाँ पड़ेगा ना. टाइम, हेल्थ अच्छी है, टाइम है, लेकिन मेरी हेल्थ खराब है तो टाइम तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा. तो इसीलिए तीसरी चीज़ हेल्थ पर भी ध्यान देना है. ठीक है. मेंटल हेल्थ जिसकी हम रोज बात करते हैं. जी. फोर्थ थिंग इज गुड डीड्स, अच्छे कर्म. मेरी हेल्थ अच्छी है लेकिन मैं गलत काम करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बेईमानी करती हूँ, तो भले किसी ने ना देखा हो, आपने शायद एक गीत सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए. हाँ जी, सुना. अब एक बार मुझे याद है कि एक लॉयर मेरे सामने आए थे कोर्स करने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि लॉयर है वो. तो वो टेंशन में थे, बहुत डिप्रेस्ड रहते थे, सिंकिंग थॉट्स उनको आते थे. तो ऐसे ही मैंने पूछा, भाई सब ऐसे ही बताइए, झूठ है, बेईमानी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना लाइफ में. तो सामने वाले हर कोई हंसते, वो तो लॉयर थे. खैर, सामने वाला हर व्यक्ति हंसता है कि बहन जी कौन सी दुनिया में है. दीदी कलयुग में झूठ ही ज़्यादा बोलना पड़ता है, सच तो कभी कभी बोलते हैं. वो लॉयर ने कहा, दीदी लॉयर्स आर लायर्स, हम सच कभी कभी बोलते, झूठ ही बोलते हैं. और कहते हैं उन्हीं झूठ से जो हमारा मन भारी होता है, हम रात में घंटों पूजा करते हैं, लेकिन अब उससे भी मेरा मन अशांत है. शांत नहीं हो पाया इसीलिए यहाँ आया. आप देखिएगा आज बहुत यंग एज के बहुत हेल्दी बच्चे टेररिस्ट बने जा रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में खुशी है? नहीं है. नहीं है ना. तो इसीलिए हेल्थ के बाद गुड डीड्स, अच्छे कर्म. और पांचवी चीज़ है पैसा. ऑफ कोर्स, यस, मनी. ठीक है. इसको हम अगर सिंपल याद करने के लिए तो हम इसे कई बार कहते हैं फाइव सा, पांच सा. संकल्प, हिंदी में संकल्प, समय, स्वास्थ्य, श्रेष्ठ कर्म, संपत्ति. थॉट, टाइम, हेल्थ, गुड डीड्स एंड मनी. मनी का स्थान कौन सा है? लास्ट. क्योंकि मनी का खुशी से कोई लेना देना नहीं है. जिस चेयर पर आप बैठे हैं ये कंफर्टेबल लग रही है ना आपको? हाँ जी. ये बहुत महंगी कुर्सी है. ये कंफर्टेबल है, आपका मूड अच्छा है तो भी कंफर्टेबल है, आपका मूड खराब हो जाएगा तो भी ये कैसी रहेगी? तो भी कंफर्टेबल रहेगी, शरीर को तो आराम देगी है ना. तो खुशी का, प्यार का पैसे से कोई लेना देना है नहीं वैसे, लेकिन हम लोगों ने अनजाने में जोड़ दिया. पैसे को पाँचवें नंबर पर इसीलिए रखा कि बॉडी मिली है तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए चाहिए, हमें भी चाहिए. इवन आपने शायद सुना हो ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट मानी जाती हैं. हाँ जी. हम वो साधन दुनिया में अपना रहे हैं जो कई बार लोगों ने देखा ही नहीं होता है. कर रहे हैं लेकिन हम इसके लिए सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम इसके लिए सोचते हैं. और हमें शिव बाबा ने एक मंत्र दिया है, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये चार चीज़ें तो मेरे हाथ में है ना. चलो ये मेरे हाथ में नहीं है. राइट. और इस वक्त तो है ही ऐसी प्रॉब्लम, विश्व हमारा परिवार है. एक परिस्थिति आई, बीमारी आई, तो लोग परेशान है, पैसा वहीं जा रहा है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, है प्रॉब्लम, इसको इग्नोर नहीं कर रहे. पर इन चार पर काम करके देखें, और अगर इन चार पे काम किया तो ये 100%
क्योंकि हमने जैसा कि कल भी बात किया, प्रकृति हमारी माँ है, जो लास्ट टाइम बात किया, प्रकृति सबको ये तीन चीज़ें प्रोवाइड कराती है अगर मेरे संस्कार खराब नहीं है। तो जो भी लोग जिनके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी तो खैर कोई नहीं जा रहा है, फीस वगैरह अभी शायद सुना है कि खुल रहे हैं स्कूल्स, लेकिन अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चारों को ठीक रखिए, अपने मन को ख़राब नहीं करिए, अपनी सेहत को ख़राब नहीं करिए। क्योंकि कल को अगर पैसा कहीं से हमारे पास, गवर्नमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट आया गरीबों के लिए, उन्होंने स्कूल्स फ्री कर दिए या कुछ, लेकिन उस वक्त हमने अपनी सेहत ख़राब कर रखी, अपने बच्चों की सेहत ख़राब कर दी, तो फिर हम इसका फ़ायदा तो उठा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन चारों को जो मेरे हाथ में टोटल हैं, अभी से पक्का कर लें कि मुझे इनको ठीक करना है, ये 100% आएगा। क्योंकि आज की डेट में क्या हुआ शोभित भैया, इस सीक्वेंस को हमने ऐसे कर दिया था इस महामारी के पहले से ही, पहले नंबर पे सबके जीवन में पैसे ही आ गया। तो अब आप सोचिए साइकिल कैसा होगा, जब पैसा आएगा तो यहाँ पर कौन था, गुड डीड्स। अब क्या हो गया, दुनिया में इस महामारी के पहले भ्रष्टाचार वाली बीमारी नहीं थी क्या, फैला हुआ था ना। तो जहाँ श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए वहाँ भ्रष्ट आचरण हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ इसको हमने प्रायोरिटी दिया पैसे को। कर्म खराब हुए तो सेहत, आप सोचिए एक झूठ अगर हम किसी से बोल देते हैं, हालांकि हमारी आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, लेकिन तब भी इतनी आदत पड़ने के बाद भी झूठ बोलना इजी नहीं लगता है। एक झूठ बोलने के बाद पेट में कुछ होने लगता है। तो आज के समय में डॉक्टर्स भी कह रहे हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस है, कर्म का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव सेहत पर। अब हेल्थ खराब हो रही है तो आज देखो, अभी तक तो किसी एक परिवार दो परिवार का टाइम जा रहा था दवाइयों में, अब तो सारा विश्व इसी में लगा हुआ है। तो टाइम खराब हो रहा है, इसलिए सबकी सोच भी क्या हो गई है, सब वो नेगेटिविटी आ रही है। दीदी इसको अगर हम और थोड़ा गहराई से समझें तो लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि जब व्हेन द मासेस आर हिट फाइनेंशियली और एक अर्थ व्यवस्था जो घर की है उनकी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो ये चार चीज़ें तो जो आपने बताए वो तो हम करेंगे, लेकिन पैसा आप कैसे कमाएं, क्योंकि उनकी नौकरियां तो वो मतलब नौकरियां छूट गई हैं, तो ये मतलब लोगों को लग रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो आप देखिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बिजनेसमैन जिसको पैसा कमाना है वो सोचता है ना कि क्या ऐसा इस वक्त चल रहा है संसार में, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, आज देखिए हम और आप इतने लोगों के पास जो पहुंच रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इनमें अपना मन लगाए। और जितनी हमारी पूंजी है, जितना छोटे से छोटा भी अमाउंट है, तो छोटे से ही शुरू करें और अपडेटेड रहें, क्योंकि इनका भी भरोसा नहीं कि कब तक चलने वाले हैं। इसके लिए भी मुझे इसीलिए इन चारों का ध्यान देना है, क्योंकि ये चार ही मेरे हाथ में है। मन को बुद्धि को ऊपर लगाएं तो वो टचिंग देते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग और हमारे संस्कार के भी अकॉर्डिंग, क्योंकि डिमांड है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरा तो कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था या मैंने उसको कभी पहले अनुभव ही नहीं किया, तो भी वो हो सकता है। ऊपर से गॉड का एक बहुत अच्छा इंट्यूशन आता है, इसीलिए इस वक्त ऊपर की तरफ कनेक्शन रखना है और साथ साथ में देखते रहना है कि संसार में किस चीज़ की डिमांड है, उस हिसाब से कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें तो करनी होती है, तो करना है हमको और हमको सोचना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोगों ने अपने मेड्स को बंद कर दिया था ना, और उन्हें पैसा दे भी रहते बुला करके, लेकिन कहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और कहीं उनको और पैसे की ज़रूरत है। तो एक दो मेड्स ने तो आकर यहाँ तक कहा कि हम दीदी कहीं नहीं जाते हैं, कहीं जाएंगे भी नहीं, अपने घर से स्नान करके सीधे आपके पास आएंगे, आप हमें सैनिटाइज करिए, लेकिन हमें काम दीजिए। तो जिनको कमाने की और लेबर करने की ललक है, दे आर डूइंग समथिंग, बहुत पढ़े लिखे थोड़ी हैं वो लोग, पर भी कर रहे हैं वो। राइट, सो दीदी आपका मैसेज ये है कि लोग अपने अल्टरनेटिव्स को देखें और पैसा कमाने के बारे में नए तरीके जो हैं, जो आपने जैसे बताया सैनिटाइजर है, मास्क है, इस समय डिमांड में क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करके उस पर काम करना शुरू करें। राइट, और वो जो चार बातें आपने बताई उसको भी हम लोग पांच बातें बताएंगे। मिरेकल है, चार को ठीक कर लीजिए, ये आना ही आना है, आना ही आना है।
तो दर्शक, हमारे पास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और उसका हमको सल्यूशन इन 5 बातों में मिलता है, जिसमें 4 बातें अगर हम ठीक करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपकी स्वतः ही ठीक हो जाएगी। दीदी, अगला सवाल हमारे पास सवाल आपके आते हैं, लेकिन अगर आप अपने सवाल के नीचे अपने नाम भी लिखें और कहाँ से हैं और आपका डेजिग्नेशन, आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो हम लोग फिर अपने टॉक शो में वो मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये जो सवाल आया है, हमें नहीं मालूम है कि उन्होंने भेजा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे अक्सर लोग केवल सवाल भेज देते हैं लेकिन उसके साथ अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो ये लिखा है कि बहुत आसान होता है लोगों के लिए जो लोग हरियाली के बीच में रहते हैं या फिर बड़े बड़े घर में रहते हैं, और उन लोगों को एक ताज़ी हवा मिलती है सांस लेने के लिए और मन भी उनका स्वस्थ रहता है, पर उन लोगों का क्या जो कि फ्लैट में रहते हैं या 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, और यही नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि केवल एक कमरे में रहते हैं, तो वो लोग क्या करें? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शोभित भैया, बचपन में आपको टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट कराया था, एक प्लांट को इंसान के पास रख दीजिए और एक व्यक्ति जो बहुत हैप्पी रहता है उसके कमरे में, एक व्यक्ति जो बहुत नाराज रहता है उसके कमरे में, तो प्लांट का असर ह्यूमन बीइंग पर या ह्यूमन बीइंग का असर ग्रीनरी पर? हम लोगों को टीचर ने तो यही सिखाया था, दोनों का ही असर दूसरे पे है, वो जड़ है, हम चैतन्य है। मतलब कहीं म्यूजिक बज रही है, कहीं एक अच्छा व्यक्ति गुनगुना रहा है, तो इवन प्लांट्स उधर बेंड होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे वाइब्रेशन से वो है, हाँ उनसे ऑक्सीजन मिल रही है, हवा प्योर हो रही है, दिस इज़ राइट, लेकिन वो सेकेंडरी है। पहला ये कि जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या एक कमरे में रह रहे हैं, वो पहले अपने घर में खुशी का पौधा लगाएं। जैसे घर में 2 गमले भी कोई लगाता है ना, तो पेरेंट्स उनको जिम्मेदारी दे देते हैं कि सुबह आपको पानी डालना है, शाम को आपको पानी डालना है, कोई खाद डालेगा, कोई मिट्टी ठीक करेगा। इसी तरीके से सुनने वाले सभी आज ही पक्का कर लें कि मुझे अपने घर में खुशी का बीज बोना है, और घर के जितने मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी है उस बीज को प्लांट को ट्री बनाना। कैसे? ध्यान रखकर, सींच कर। अब ध्यान क्या रखना है? कहीं मेरी वजह से आपकी खुशी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? मुझे आपसे डिस्टर्ब होना नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है। तो पहली चीज़, मुझे आपसे डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि आपके अपने संस्कार हैं, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। आपने भी ड्राइविंग सीखी थी या शुरू से पहले दिन से गाड़ी चला रहे हैं? सीखी थी ना, और सीखी थी तो कहीं अकेले एरिया में, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ब्रेक लगाना सीखना पड़ता है, टाइम पर, वो भी टाइम पर, है ना। सिर्फ ऐसे ही मेडिटेशन जीवन को ड्राइव करने की कला है। तो आपके संस्कार अलग, मेरे संस्कार अलग, ये मुझे अब पता पड़ गया, और जिन संस्कारों से मेरी खुशी जाती है अब मैं वहाँ ब्रेक लगा करके रखूँगी। तो ये सेल्फ के लिए एफर्ट हो गया, लेकिन मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति तो मेडिटेशन नहीं सीख रहा है, तो वो तो अपने संस्कारों से फुल फ्लेज्ड में आएगा। मतलब आप सोच के देखिए कि एक ड्रंक ड्राइवर ट्रक लेकर के आ रहा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे आ तो मर ही जाएंगे, नहीं, हमें तो बचाना है अपने, तो फिर भी हमको बचाना है। तो टोटल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और ब्रेक हाथ में। ठीक इसी तरीके से अब अगर मेरे घर में कोई दूसरा प्राणी अपने पूरे संस्कारों से मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे यहाँ तुरंत क्लियर करना है, मुझे इनसे डिस्टर्ब होना नहीं है, और अगर मैं बच गई तो ये तो अपने आप ही बच जाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट में दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर हम सबने पक्का कर लिया, और सुनने वाले कोई ये नहीं सोचे कि दीदी मेरे घर में चारों सुनने वाले नहीं है, सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है, कोई बात नहीं, एक अगर बत्ती कहीं कोने में भी रखी होती है ना, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में बिखर जाती है। ऐसे ही सुनने वाले ये बिल्कुल नहीं सोचे कि मेरे घर वाले कुछ नहीं सुनेंगे, आप शुरू करिए। हमने पहले भी बात किया था, आजकल तो हॉटस्पॉट का ज़माना है, हम उनको मदद करेंगे अपनी शक्ति से, तो ग्रीनरी भी लाएंगे, जो छोटा ही घर है हम बाहर वाली ग्रीनरी भी लाएंगे, हम कुछ पेड़ पौधे अपने घर में लगाएंगे, लेकिन इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हो कि हम ग्रीन एरिया में नहीं रहते हैं।
हम लोग कहते खुशहाली हरियाली जी सेकेंडरी है वो जी। तो जितना हम खुश रहेंगे, जो पेड़ हम लगाएंगे गमले में भी, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दीदी, हम लोग खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं, घर में भी खुश रहते हैं, और जैसे आपने उदाहरण दिया कि सामने एक ड्रंकन ड्राइवर आ रहा है तो हम अपने आप को बचाते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी होती है और ऐसे असामाजिक तत्वों को भी वो फिर रोकती है। तो जब हम घर की बात कर रहे हैं और एक जैसे एक कमरे में जब 4 सदस्य 5 सदस्य रहते हैं, 1 BHK में रहते हैं, तो ऐसे में कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, वहाँ अच्छा कौन पुलिस बनेगा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा कहा, इसी को शिव बाबा कहते अटेंशन रूपी पुलिस, अटेंशन रूपी चौकीदार। वो हमारे अंदर इनबिल्ट करके भेजा था ऊपर वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, ठीक है, हमने कभी देखा नहीं ना, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान तो दूसरों को चेक करने में, दूसरों को देखने में था, तो अपने अंदर की जो एसेसरीज और फैसिलिटीज़ थी वो हमने कभी ना यूज़ किया ना देखा उनको। यानी कि बहुत अटेंशन हमें अपने ऊपर रखना है और वो सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागृति हर समय रखनी है हमको। आगे दीदी बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास दीपक चोकसी साहब का है, वो एक बिजनेसमैन है और जूनागढ़ से उन्होंने सवाल हमसे पूछा है कि हमको जीवन क्यों जीना है और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शायद मैं पहले भी एक बार सबके साथ जोक शेयर कर चुकी हूँ कि एक साइंटिस्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टीटी पहुँचा उनके कंपार्टमेंट में, सर प्लीज़ टिकट दिखाइए। तो सर ने चेक करना शुरू किया, उन्होंने अपने पर्स में देखा, अपने सूटकेस में देखा, उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन टीटी जो था वो साइंटिस्ट का बड़ा फ़ैन था, तो उसने कहा सर वैसे भी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपसे दोबारा मिलने आना ही था, आप परेशान मत होइए, आप टिकट ढूंढ के रखिएगा, अभी तो मुझे पूरी ट्रेन में चेक करना है। तो लौट करके आया वो 2-2.5 घंटे में, सर टिकट मिला, तो सर तो अभी भी टिकट ही ढूंढ रहे थे। तो टीटी ने कहा अच्छा परेशान मत होइए सर, मुझे पता है आप जैसे इतनी नोबल पर्सनालिटी कोई ऐसे बिना टिकट के वो नहीं करेगा जर्नी, देखिए मैंने ना आपके नाम के आगे टिक कर दिया है। लेकिन वो साइंटिस्ट सर मान ही नहीं रहे थे, नहीं नहीं मुझे तो टिकट निकालना है, आपको दिखाना है निकाल। उसने कहा सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है और आप एक टिकट ढूंढ रहे हैं। तो पता है उस साइंटिस्ट ने क्या बोला टीटी से, सर वो टीटी से कहा मैं आपके लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद के लिए टिकट ढूंढ रहा हूँ, टिकट मिले तो मुझे पता पड़े कि मुझे जाना कहाँ है। ये हम सबकी हालत है, जैसा कि जो भी भैया ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो वी आर नॉट नोइंग द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। एक्चुअली हमने गोल्स को ही कई बार पर्पज़ मान लिया जी। लेकिन गोल्स तो टाइम बाई टाइम चेंज होते गए, छोटे थे तो पढ़ाई और मार्क्स गोल था, थोड़े और बड़े हुए जॉब गोल हो गई, और बड़े हुए मैरिज गोल हो गई, और इन सबको हमने अचीव भी किया। राइट, पर्पज़ ऑफ लाइफ इज, हालांकि हम इसे 7 डेज के कोर्स में एक लंबा चौड़ा पाठ पढ़ाते हैं, पर चूंकि आज हमें 1.5 घंटे में ही और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, 3 क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर, मैं कौन हूँ, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर। या आपका जन्म हुआ था तो मम्मी ने ये थोड़ी कहा था कि शोभित पैदा हुआ है, बेटा हुआ है। नाम तो कई लोगों से पूछ करके रखते हैं, भैया बताना, तो नाम मुझे मिली हुई चीज़ है। आई एम नॉट शोभित, माई नेम इज़ शोभित, आई एम समथिंग एल्स, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ शोभित। तो हु एम आई, तो जो हमने पहले भी बात किया, आई एम अ पीसफुल बीइंग रिसाइडिंग हियर लाइक अ शाइनिंग स्टार। तो दिस इज़ माई ट्रू आइडेंटिटी, आई एम अ पीसफुल बीइंग। Peaceful and being. Where am I? I am in the field of relationships. हम रिश्तों की दुनिया में हैं और रिश्ते मेरे घर के 4 लोग नहीं, हम जिनके जिनके कांटेक्ट में आते हैं उनसे हमारा आत्मिक रिश्ता है, वो बिजनेस हो, जॉब हो, हम ट्रांसपोर्ट के लिए किसी को पकड़ते हैं, सबसे हमारा आत्मिक रिश्ता है। और मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में, टू शेयर माई वैल्यूज इन दीज रिलेशनशिप्स, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। हम धरती पर आए ही हैं अपने वैल्यूज़ को शेयर करने के लिए,
मांगने के लिए नहीं, हमारी लाइफ का जो पर्पस है टू गिव एंड टू रिसीव. And Didi, if I have to give values, then I should inculcate values first, then only I'll be able to give. They are inbuilt. अच्छा. Spirituality यही तो बताती है कि values मेरे अंदर हैं, लेकिन हम discharging mode पर हैं. तो मोबाइल में तो इतने सारे ऐप्स होते हैं, लेकिन discharged है तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा करना अच्छा लगता है कि पीस अच्छी लगती है? पीस ऑब्वियसली. देखिए आपने कितना अच्छा ऑब्वियसली क्यों कहा. गुस्सा करते भी हैं तब भी मुझे शांति अच्छी लगती है. गुस्सा करने के पहले भी शांत थे और गुस्सा करने के बाद भी क्या चाहिए? शांति. इट मीन्स माय ओरिजिनलिटी इज पीस. लेकिन हम किसी बाहरी चीज़ के प्रभाव में आ गए. जैसे पानी की वास्तविकता शीतलता, लेकिन उसे गैस पर आग पर रख देते हैं तो पानी की वास्तविकता बदलती है, ख़त्म तब भी नहीं होती. जैसे ही फिर से उसको आग से हटा लीजिए, फिर से पानी क्या हो जाता है? ठंडा. ठीक इसी तरीके से जो मेरा ट्रू बीइंग है, मैंने क्यों कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ का आंसर तभी मिलेगा जब मैं अपने रियल बीइंग को जानूंगी, क्योंकि रियल बीइंग है ही सतोगुणी है, लेकिन इसकी लेयर में आ गई. आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर. तो ये जो ईगो भी इसके साथ आ गया, बॉडी कॉन्शियस के साथ, इस वजह से हमारे गुण लीक होने लगते हैं. मैं समझता हूँ कि दीपक चुक्सी साहब को संक्षिप्त में उनको ये सवाल का उत्तर मिल गया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये सवाल हमको भी दुबई से आया है, और ये पूछा है कि क्या हमको एक महामारी, एक लॉकडाउन की ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए? कितना इनोसेंट क्वेश्चन है ये. घरों में हम लोगों को याद है अपना बचपना, कि जब हम लोग अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते थे. वही पेरेंट्स चाहते नहीं हैं, लेकिन वो कहते थे अगर कहना नहीं मानोगे तो बाथरूम में बंद कर देंगे, अगर कहना नहीं मानोगे तो रूम में बंद कर देंगे. ये कब होता है? जब हम जो हमें सिखाया जा रहा है उसे हम ठीक तरीके से नहीं कर लेते हैं. माँ कहती है ना, मैं एक ही बार बोलूँगी, अब अगर तुमने नहीं माना तो मैं तुम्हें उठा के बंद कर दूँगी. ऐसे ही गॉड ने, प्रकृति ने हमें कई इशारे दिए कि अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाओ, अपनी सोच में कुछ चेंज लाओ, लेकिन हम नहीं लाए तो फिर प्रकृति ने ऐसा कर दिया. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. अगर हम प्यार से मान जाएं एक बार में, तो ये लॉकडाउन और ये चीज़ें हमारा नेचर थोड़ी बंद रहना. हम तो खुले आज़ाद पंछी हैं. हमारे मन की स्वतंत्रता देखिए, हमारे मन को स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन हमने उसको भी बांध लिया किसी व्यक्ति से ईर्ष्या, किसी व्यक्ति से नफरत. तो जो मन पता नहीं कहाँ कहाँ की उड़ान भर सकता है, वो कहाँ कैद हो गया? किसी एक व्यक्ति या वस्तु में. तो इसीलिए लॉकडाउन जरूरी नहीं है ये. मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9455289907, या हमको आप ईमेल भी कर सकते हैं gomtinagar.lko.oo@gmail.com. इसके अलावा अगर आप कोई और बात भी हमसे कहना चाहें तो आप वो कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं, या एक शाउट आउट भी देना चाहें तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं. दीदी आगे बढ़ते हैं, और आपने बात प्रकृति की करी, और प्रकृति से ही संबंधित एक सवाल हमारे पास आया है. और सवाल ये है कि ऐसे समय में, अब जो ये COVID-19 का समय चल रहा है, तो प्रकृति ने हमको क्या सिखाया है और हमने क्या सीखा है? शुरू से ही प्रकृति और मनुष्य आत्मा का एक बहुत सुंदर हारमोनी थी, जहाँ पर अगर कहानियों में लोगों ने सुना कि देवी देवताएं जब विचरण करने निकलते थे तो पशु पंछी खुश होकर के अपने अपने झरोखों से बाहर निकल आते थे, चिड़िया चहचहाने लगती थी, मोर खुश होकर के डांस करता था अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए. जब इंसान बहुत अच्छा था, पेड़ भी बातें करना शुरू करते थे, हवाएं करते थे, हमारे राजा निकल रहे हैं. और आज क्या हो गया? वैसे मोर नाच रहा होगा और इंसान को देखेगा तो फिर चला जाता है अंदर.
है ना। रीज़न क्या है, हमारे नेचर में, हमारे घर वाले भाग जाते हैं हमसे दूर, हमारे नेचर में इतना डोमिनेटिंग है हो गए, हम इतना पॉजिटिव हो गए हैं, इतना हम सबको वो करने लगे ना प्रेशराइज्ड, तो लोग हमसे, इंसान भाग रहा है, जानवर तो जानवर है। फिर प्रकृति, प्रकृति रचना है, हम रचयिता हैं, कैसे, वो जड़ है, हम चैतन्य हैं। फाइव एलिमेंट्स मिला करके शरीर बनता है, एक एलिमेंट से नहीं बन जाता शरीर, और वो शरीर भी मूव तब करता है जब उसमें बीइंग आत्मा आ जाती है। तो रचयिता और रचना, घर में पहले कौन उठता है सुबह, बड़े या छोटे? बड़े, बड़े उठते हैं ना। अब आप सोच करके देखिए, वो प्रकृति रचना, यानी वो हमसे छोटी है, हम बड़े हैं, तो सूर्योदय पहले होना चाहिए या हमको पहले उठना चाहिए? लॉजिकली हमको उठना चाहिए, उठना पहले। और आज क्या होता है, फिर कहेंगे विटामिन डी की कमी हो गई, सूरज आके चला भी गया, हम उठे ही 10 बजे हैं, फिर उसके बाद हमें दैनिक दिनचर्या निपटाने में ही अपना टाइम वेस्ट लगा जा रहा है, तो हम कहाँ प्रकृति के कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। तो इसीलिए दोनों का सामंजस्य, ये बहुत ज़रूरी है। और हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसको सुनने वाले घबरा जाते हैं कि ये लोग तो आधी रात में उठने के लिए बोलते हैं, 3:30 बजे 4 बजे। मैं सब सुनने वाले दर्शकों से बता रही हूँ और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप 3 बजे 4 बजे उठिए, जितने बजे भी आप उठते हैं कोशिश करिए उससे आधा घंटा पहले उठेंगे, उससे 15 मिनट पहले उठेंगे, उससे 1 घंटा पहले उठेंगे। लेकिन उठना बाद में, पहले मेडिटेशन की प्रैक्टिस। कई लोग यही समझते हैं कि सुबह का मेडिटेशन अच्छा होता है, पर हम तो उठ ही नहीं पाते, उसी में सारी एनर्जी लीक कर दिया, ये सोच करके। ये मत सोचिए, जब उठते हैं उसके बाद टाइम निकालिए और तब मेडिटेशन करिए। ये वाला मेडिटेशन सुबह उठने में मदद करेगा, फिर सुबह उठ जाएंगे तो और पावरफुल मेडिटेशन होगा, तो सारा साइकिल ठीक हो जाएगा। और दीदी, आपने जो शुरुआत में बात करी थी, वो जो 5 पॉइंट्स बताए थे, तो वो भी तो लिंक्ड हैं, कि वो जो 4 चीज़ें, थॉट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और फिर हेल्थ को ध्यान रखना है, फिर गुड एक्शंस करने हैं, फाइनली मनी। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो भी फिर इसके साथ लिंक हो जाते हैं। बिल्कुल। सूर्यास्त हुआ, आप देखिए शाम को सारे पशु पंछी वापस लौट आते हैं सूर्यास्त के पहले, और इंसान पैसा कमाने की होड़ में 11 बजे तक, अब तो खैर घर में ही है, ऑफिस का टाइम, बिल्कुल। तो देखो प्रकृति ने कितना, हमने प्रकृति का कहना नहीं माना, तो हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे। कई कई लोग तो कहते हैं, स्पेशली शुरुआत में जब बैंक्स और वैसे, कि भाई साहब ये घर कब आते हैं, तो उनकी वाइफ कहती, दीदी बैंक में ही रहते हैं, ये खाली घर में सोने और खाने आते हैं। यानी इंसान पैसे के पीछे इतना ज़्यादा सोच रहा था पैसे के लिए, कि उसे खाने की भी फुर्सत नहीं। पैसा कमाना तो शुरू इसीलिए किया था कि पेट का सवाल है, और पेटियां भरना शुरू कर दिया। टाइम पे पूछती, वो वाइफ पूछती है खाना खाया, तो पति कहता प्लीज़ तुम फ़ोन रखो, डिस्टर्ब ना करो, मेरे पास काम बहुत है, भी खाना नहीं खाया। आप सोच के देखिए, जिस चीज़ के लिए कमाने गए थे उसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं, तो प्रकृति ने किया तो बैलेंस। दीदी आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर हम 50 साल और 70 साल पहले भी जाएं, तो उस समय जब मतलब लाइट इतनी नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी, तब तो 24 आवर्स सप्लाई हमको मिलती है, उस समय लोग 6 बजे 7 बजे मतलब घर आ जाते थे, अपनी दुकान बढ़ा कर, काम पूरा करके 8 बजे तक खाना वाना खा लेते थे। फिर 9 बजे तक जो आज हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं ना, घर के सारे लोग अपने अपने बिस्तरों में बैठ करके दिन की बातें, इतना अच्छा लगता था कि जो वो घर घर की कहानी हम टीवी में देखते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करते थे। तो ज़रूरत भी नहीं थी उस समय की, और सभी हेल्दी थे। फिर से वो टाइम प्रकृति ला रही है ऑटोमेटिक। तो एक तरह से देखा जाए तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल। दीदी पिछले एपिसोड में हम लोग ने बातें करी थी कि इस महामारी को, इस पैंडमिक को हम कैसे टैकल करें, तो आपने कहा कि रूटीन, शेड्यूल और इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो उसी से संबंधित एक सवाल हमारे पास ये आया है, दैट हाउ टू मेंटेन अ शेड्यूल, रूटीन, यू नो, ऐसा एक दिनचर्या, उसको हम कैसे एक सस्टेन कर पाए उसको। क्योंकि करते हैं, लोगों ने प्रयास भी शुरू किया, आपने जो सुझाव दिया लोगों ने उसको किया, फीडबैक भी हमको मिला है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे उसको। हम बार बार यही कहते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो हमने अभी करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे पास्ट के हैबिट्स वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं अभी,
ये तो नया नया डालना शुरू किया है, तो अगर वो सस्टेन नहीं हो रहा है तो शिव बाबा एक शब्द यूज़ करते हैं, दिल शिकस्त। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त मत हो, उठ के खड़े हो जाइए। चले ठीक है, कल मेडिटेशन किया था, आज नहीं कर पाए, करने का मन ही नहीं किया, तो अपने आप को माफ़ करिए। हम लोग पता है क्या बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं और हम खुद भी अपने आप को बोलते हैं, मेरे बस का भैया है नहीं ये सब। हाँ लिटरली ये तो होता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फास्ट लीकेज। नहीं कर पाए तो इतना लीकेज नहीं था, कल वाली एनर्जी से काम चल रहा है, लेकिन मेरे तो होगा ही नहीं, ये जितना कल हमने भरा था आज सारा बाल्टा खोल के उसको निकाल दिया। तो इसीलिए शिव बाबा ये कहते हैं ये चीज़ें भी जब करते रहिए, छोड़िए नहीं। चलिए रोज़ हम सुबह मेडिटेशन करते थे, आज नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, सुबह उठो, थोड़ी पनिशमेंट भी देनी है अपने आप को कि आज मैं देर से उठी हूँ ना, तो आज मैं पहले मेडिटेशन करूँगी, कंपेंसेट करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। अच्छा, पनिशमेंट भी फॉरगिवनेस भी, सिर्फ पनिश करते रहेंगे तो गिल्ट में चले जाएंगे। फॉरगिवनेस कैसे? कोई बात नहीं, नहीं उठे तो क्या हुआ, अब कर लो, जैसे बच्चों को, बच्चा घर में देर से उठा, मम्मा मेरा इतना लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं, तो माँ कोसती थोड़ी कि अब देर से उठा तो भुगत, ये थोड़ी कहती है। माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अब कर लो, अब कंसंट्रेट करके करोगे ना, तो क्या पता पहले से भी अच्छा कर लो, तो दिस इज द फॉरगिवनेस। हिम्मत ना हारे, हिम्मत नहीं, लगे रहे उसमें, लगे रहे। और अगर जैसे आपने कहा दिल शिकस्त, जैसे आपने कहा ना ड्राइविंग सीखी, तो कई बार जब आपने ड्राइविंग सीख लिया था लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाए, आज घर में ये काम बता दिया कल वो, पर अंदर जुनून होता है ना। स्पेशली मैंने बॉयज को तो देखा है, वो तो गाड़ी को देख के उनके हाथ में खुजली होती है, है ना, तो वो ये नहीं कहते कि मैं कल नहीं कर पाया तो मैं आज नहीं करूँगा, कल तक ड्राइविंग आती भी नहीं थी, लेकिन इतना जुनून अंदर है तो हम अब कर लेंगे, जब मौका मिलता तब भागते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दीदी इस समय ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो कि COVID-19 से पहले, इस महामारी से पहले, वो लोग मानसिक परेशानियों से ग्रस्त थे, और अब वो लोग थेरेपी कराने के लिए या उनको जैसे डॉक्टर्स ने बताया तब घर के बाहर निकलिएगा, पार्क जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, ये सब भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो ऐसे में ये लोग क्या करें? घर में लोग और डरने भी लगते हैं ना ऐसी चीज़ों को देखकर। ये एकदम प्रैक्टिकल आजमाई हुई चीज़ है दर्शकों, आप ये मत सोचिएगा कि हम बार बार बीच में मेडिटेशन लगा करके और आंसर से छुट्टी ले लेते हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। बीमारी पहले से ही थी, फिर एक महामारी आ गई, अब तो बाहर भी नहीं जाना है। इस वक्त जो भी लोग सुन रहे हैं एक होमवर्क अपने लिए ले लीजिए, डायरी पेन उठाइए और रोज़ एक पेज डायरी का अपने लिए लिखना शुरू करिए, मैं इस शरीर रूपी कार की एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, चाहे इस भाषा में, चाहे इस भाषा में कि मैं आत्मा स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। एफर्मेशन हो गया 100%, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, जब मैं बार बार अपने शरीर को स्वस्थ, कई बार क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग एग्जांपल से समझाती हूँ। जी जी जी। बच्चा बहुत शैतान है, आप ही की बात करती हो, आपकी, आप बचपन में बहुत नॉटी थे, मैं नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल, लेकिन आपकी माँ किसी के सामने भी ना आपकी बहुत तारीफ़ करने लगती थी, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत कहना मानता है, और अगर आपने सुन लिया तो क्या लगता था, मैं तो कहना भी नहीं मानता, ये तब भी तारीफ़ करती रहती है, तो कुछ तो करने का मन करता है ना। ठीक इसी तरीके से इस शरीर ने मुझे इतना साथ दिया, तो उसके साथ की बातें हम नहीं करते हैं, और थोड़ा सा बीमार पड़ गया तो सारा दिन मैं बीमार हूँ, फिर दो आएगा उसको बताएंगे बीमार हैं, मेरा घुटना काम नहीं कर, ये इनकी बुराई करना हो गया है, फिर ये इनके वाइब्रेशंस जाते हैं, तो ये भी कहते हैं अच्छा आपको मैंने 80 साल चलाया तब तो मुझे थैंक्स नहीं किया, और अभी थोड़ा सा गाड़ी पुरानी हो गई, ऊपर नीचे हुआ, तो आप मुझे बहुत बार बार सबको बताते हो, आप एक करना शुरू कर दीजिए आज से, मैं आत्मा स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, क्योंकि ड्राइवर एक्सपर्ट है तो गाड़ी कितनी भी खटारा हो वो अपनी मंजिल तक पहुँच के रहेगी, और गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ड्राइवर ही नौसिखिया या कमज़ोर है तो फिर शोरूम से निकली गाड़ी को भी वो खटारा कर देता है। तो जो भी सुनने वाले एकदम फर्म डिटर्मिनेशन कर लीजिए, अफर्मेशन कर लीजिए,
कि मुझ आत्मा की शक्ति शरीर में ट्रांसफर हो रही है, शरीर की कमज़ोरी मेरे मन को बिल्कुल कमज़ोर नहीं कर सकती। साथ साथ में जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उन दवाइयों को हाथ में रखिए और प्यार से उनको देखिए कि ये कलयुगी फ्रूट्स हैं, दवा नहीं है। कई लोग दवा को देख देख करके भी डिप्रेस्ड होते रहते हैं, देखिए मुझे नाश्ते जितनी दवा करनी पड़ती है, पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी। तो इसमें भी शिव बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि आप दवाओं को कलयुगी फ्रूट्स समझिए, उन्हें चार्ज करिए। चार्ज करने का मतलब भगवान की किरणें आकाश मार्ग से इन दवाओं पर पड़ रही हैं। उन दवाओं को लेने के लिए आप जो पानी या दूध लेते हैं फिर उसको चार्ज करिए। परमात्मा की पवित्र किरणें इस पानी पर पड़ रही हैं, ये अमृत बन रहा है। जो परहेज का भोजन आपको बताया गया उस पर परमात्मा की किरणें, और आराम से खा लीजिए। आप खुद बताएंगे कि हम पहले से बहुत जल्दी रिकवर भी होने लगे और दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होने वाले हैं। इससे मुझे दीदी याद आता है, एक व्हाट्सएप वीडियो आया था और उसमें वो एक छोटा बच्चा है, वो गिर जाता है, उसकी माँ उसको देखती है, उसकी आँखें थोड़ी भर जाती हैं, तो माँ कहती है से दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, बोलो कि मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और वो बच्चा अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में ऐसा बोलता है एंड ही इज़ फाइन। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आप बात बोल रहे हो कि हमें डिटर्मिंड होकर और एक पेज हमको ये लिखना है और ऐसे एफर्मेशंस अपने आप को देने हैं, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा। एक समय का भाव है, एक आखिरी सवाल चलते चलते हम लेंगे। आपने दवाइयों की बात करी तो सवाल हमारे पास आते रहते हैं, हमें बहुत खुशी उस बात की। तो वो सज्जन कहते हैं कि अब जीने का मन नहीं करता, मन करता है कि मर जाएं तो अच्छा है। मतलब कब से, इस महामारी के बाद से या पहले से? अब दीदी प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, तो प्रोग्राम के आई बिलीव कि ये COVID-19 में ही ये उनको ज़्यादा आ रहा होगा। अब सुनने वाले सभी दर्शक, एक हमारे जिन भैया ने भी प्रश्न पूछा है उनके द्वारा तो मैं सभी को एड्रेस करना चाहती हूँ। सुसाइड केसेस तो इसके पहले भी हो रहे थे, तो ये वजह नहीं हो सकती है सिर्फ। अंदर बहुत सारी अपनी थॉट्स की कमज़ोरी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या कहीं ना कहीं कंपटीशन, कंपैरिजन, फिर ये महामारी का और भय, तो ये मुझे मारेगी या हम इसको विदा करेंगे। हम इसके लिए गलत शब्द भी यूज़ नहीं करते, हम उसको याद भी नहीं करते, लेकिन हाँ मैं तैयार हो जाऊँगी तो ये विदाई ले लेगी, ये करना है। और उनके जाने से पहले मैं ही संसार छोड़ के चली जाऊँ तो फिर मैंने संसार को क्या दिया? वो तो वही लोग कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब सब कुछ अच्छा अच्छा था तो मैंने प्रकृति से भी खूब लिया, खाया पिया, मौज किया। अब संसार में एक परिवार में एक प्रॉब्लम आई है तो हम क्यों एस्केपिज्म सोच रहे हैं? इसीलिए जिन बिन जिन्होंने भी किया है, आप प्लीज़ परेशान नहीं होइए। इवन आप आज से ये पक्का कर लीजिए कि इस बीमारी को भगाने में हम संसार का सहयोग देंगे। हमें बीमारी कभी होगी नहीं, क्योंकि मुझे तो सारे विश्व की मदद करनी है। और मुझे ये वाला कमज़ोर वाला थॉट जैसे ही आए तो आया, लेकिन मैं उसे रोशनी में ख़त्म कर दूँ। ऊपर से परमात्मा का नूर बरस रहा है जिसमें ये थॉट कभी दोबारा आएगा ही नहीं। और एक जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति मरने की नहीं सोच सकता। मुझे याद है कई लोग ऐसे मदर्स मिलती हैं जिनके घर में बहुत दिक्कतें हैं, हस्बैंड भी अच्छे नहीं हैं, सास भी अच्छी नहीं हैं। तो वो लोग कहती हैं, दीदी हम तो कब के मर गए होते, ये जो दो बच्चे हैं ना मुझे इनके लिए जीना पड़ रहा है। जिम्मेदारी है तो जीना तो है, लेकिन अब पड़ रहा है नहीं ये भी नहीं। ये वाला ताज तो खुद भगवान ने हमें पहनाया है। हम सब पॉजिटिव लोग मिल करके, जो भयभीत नेगेटिव लोग हैं और जो जिनका प्रश्न है वो तो यही कहेंगे कि बहन जी हम कहाँ से पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत नेगेटिव हैं। तो भगवान का एक फॉर्मूला है, जब तक हम मांगते रहेंगे तब तक हम मांगने वाले ही बने रहेंगे। इसीलिए शिव बाबा हमें मांगने वालों की लाइन से देने वालों की लाइन में खड़ा कर देते हैं। और जैसे हम देना शुरू करते हैं, यानी जैसे ही हमको भगवान ने पॉजिटिविटी की लाइन में खड़ा करके कहा
कि देखो भाई, इन भैया का नाम नहीं पता? नहीं, नाम नहीं अच्छा, आया। तो वो भगवान जी पता है क्या कहेंगे आपका नाम लेके? आप चाहे कितने भी नेगेटिव रहो, पर अभी आपको, मेरे ये 10 बच्चे हैं बहुत नेगेटिव है, इन्हें पॉजिटिविटी का दान करना है। तो आपसे ऑटोमेटिक उनके लिए वाइब्रेशंस निकलेंगे। मुझे याद है जब हमारे पास लोग आते थे कोर्स वगैरह करने, तो एक बहन बहुत डिप्रेस्ड थी। मतलब उसने शायद 4 साल अपनी पढ़ाई, वो MBA 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पाई। तो वो कोर्स करने लगी और सचमुच में उसमें बहुत अच्छा बल आने लगा, उसने MBA भी पास आउट कर लिया। एक दिन क्या हुआ, जब वो आई कोर्स करने, तो जो बहन उन्हें कोर्स कराती थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कि आज मैं आपको करा देती हूँ, वो सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक है। तो आपको पता है वो क्या बोलती है? क्या? दीदी, आप उस दीदी से कहिएगा वो चिंता ना करे, मैं उनको वाइब्रेशंस भेजूँगी। That was very powerful. सोच के देखिए, कल तक जो खुद जीने की तमन्ना नहीं थी, उसका भी यही था, सुसाइडल अटेम्प्ट बार बार, लेकिन कल तक जो खुद जीना नहीं चाहता था, आज वो उस बहन को कह रही है जिसने उसको सिखा। और दिस इज राइट, एक्चुअली दिस इज प्रैक्टिकल। हम 2 दिन में देने वाला बन जाते हैं। आप चिंता नहीं करिएगा, उन दीदी को बोलेगा मैं उनके लिए मेडिटेशन करूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। दिल से किया होगा उन्होंने, होता है प्रयास, उन्होंने सच्चाई ईमानदारी से करी होगी। बिल्कुल। इसमें क्या है शोभित भैया, सामने वाले को कितना फायदा होता है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन अपना बहुत फायदा होता है, क्योंकि नेगेटिव चला गया। हमने जैसे ही दूसरों को देना शुरू किया तो यहीं से तो गया है, तो यहाँ तो ठीक हो ही जाता है। फिर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपका ये मन पसंदीदा कार्यक्रम, मन पसंदीदा कार्यक्रम दीदी, वाकई ये लोगों को जो हमको फीडबैक मिल रहा है, इस वजह से मैंने शब्द कहा, हर सैटरडे को शाम को 6 बजे, हर शनिवार को शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम आपके सामने आया करेगा। और चलते चलते मैं दीदी ये कहना चाहूँगा कि लास्ट एपिसोड में लोगों ने आपकी मेडिटेशन को बहुत पसंद किया था, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर पुनः एक बार मेडिटेशन कराकर इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। ठीक है। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए मैं अपने मन को एक प्यारे से बच्चे की तरह अपने पास बुला रही हूँ, और सचमुच मेरा मन कितना भी चंचल, कितना भी उथल पुथल करने वाला, लेकिन बहुत प्यारा है। मेरा कहना मान लिया है और आ गया है पूरी तरह से मेरे पास। मुझे सुनना चाहता है, क्योंकि अभी तक बाहर का सुन सुनकर ये मन भी बहुत भारी हो गया था। आज इस शांत मन से मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फील करने जा रही हूँ। इस बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम को चलाने वाली मैं पीसफुल बीइंग, शांत स्वरूप, एक चैतन्य शक्ति हूँ जो एक सितारे के रूप में मस्तक पर विराजमान हूँ। मुझ सितारे की एक शक्ति मन है। मेरा मन मुझ सितारे के स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रहा है, बिल्कुल शांत
मस्तक पर बैठकर ही मैं आत्मा थॉट्स क्रिएट करती हूँ, डिसीजंस लेती हूँ और फिर मेरी आँख, मुख, हाथ पैर भी मुझ आत्मा राजा के द्वारा चलते हैं। अब मैं आत्मा जग गई हूँ और अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल करने के लिए अपने खुदा दोस्त को याद कर रही हूँ, सोलमेट को याद कर रही हूँ। और वो दोस्त तो ऐसे हैं, सेकंड्स की भी देरी नहीं करते, उन्हें याद करते ही आकाश मार्ग को पार करती हुई मेरे खुदा दोस्त की असंख्य बाहों रूपी किरणें मुझ पर बरसने लगती हैं। मस्तक पर मुझ सितारे को स्पर्श कर रही हैं और मुझ सितारे से ही प्रभु परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के रोम रोम में बिखर रही हैं। सर से पैर तक पूरा शरीर मुझ आत्मा और मेरे दोस्त परमात्मा के पवित्र किरणों से ढक गया है। सुरक्षा कवच में आ गया है। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, तो शरीर के उस पार्ट पर मैं परमात्मा की शक्तिशाली पवित्र किरणों को पहुंचता हुआ देख रही हूँ। वैद्यनाथ परमात्मा रेज थेरेपी कर रहे हैं, उनकी पवित्र शक्तिशाली किरणों से बीमारी के सब जर्म्स खत्म हो गए हैं। मेरी दवाइयों पर परमात्मा की पवित्र किरणें बरस रही हैं, उनमें ईश्वरीय शक्ति भर रही है। परिवार का एक एक सदस्य परमात्मा की किरणों के अंदर तन से स्वस्थ और मन से प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। घर के एक एक व्यक्ति को मैं इन किरणों के अंदर ध्यान से देख रही हूँ। परमात्मा ने इनकी सुरक्षा कवच का बीड़ा उठा लिया है और देखते ही देखते ये किरणें दूर दूर तक बिखरने लगी हैं। मेरे घर के चारों तरफ, कॉलोनी, शहर में परमात्मा का बरस रहा है पवित्र प्रकाश। मेरा बिजनेस, जॉब, सब परमात्मा की रोशनी में, बच्चे परमात्मा की रोशनी में, मनुष्य आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को परमात्मा किरणों का स्पर्श मिल रहा है। पशु पंछियों को पहुंच रहा है प्रकाश। सबका मंगल हो रहा है।
तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखिया रे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समो रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे।